मैं बताने जा रहा हूँ स्नेक हेड फिशिंग के तरीके, स्नेक हेड फिश पकड़ने के तरीके। स्नेक हेड अक्सर ऐसी जगह पे पाई जाती है। अब हमें चाहिए रहेगा एक स्ट्रॉन्ग रॉड, अच्छी क्वालिटी की रील और एक स्ट्रॉन्ग लाइन स्नेक हेड फिश पकड़ने के लिए बाइट। जैसे कि फ्रॉग मछली और कीड़े की नकल वाली लूर्स वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल आते हैं, और अपने को ऐसे लूर्स चलाने हैं जिससे उन मछलियों को लगे, स्नेक हेड मरल को लगे कि वो घायल मछली है या घायल फ्रॉग है। इस तरह से अपने को चलाना है। नदी या तालाब में वो स्थान चुने जहाँ पे आपको महसूस हो कि यहाँ पे स्नेक हेड फिश मिलेगी। एक वहाँ पे चाल हुई दोस्तों, गिरते बराबर पकड़ ले।
तो ये एक मरल लगा है। साइज कोई भी है दोस्तों, खेल को एंजॉय करना चाहिए। धड़का है तो लगा, मरल लगा सोचकर तो बैठ। दोस्तों जब आपको महसूस हो कि स्नेक हेड बाइट कर चुका है तब आपको रॉड से झटका मारना है, और याद रहे मछली और अपने रॉड के बीच में धागा लूज नहीं होना चाहिए ज़रा भी। और ये काफ़ी ताकतवर फाइट करने वाली मच्छी रहती है, इसके लिए शिकारियों में ज़्यादा ये फेमस है, ये ज़्यादा लोकप्रिय है ये खेल। इसको धड़का बोलते हैं, कोबरा स्नेक हेड, और ये काफ़ी फाइट करने वाली मच्छी है, ये काफ़ी टफ फाइट देती है। तो आपने देखी ये कि पहली मच्छी हमने निकाले, आपने देखे ये पहला फिश है अपना, इसको पकड़ा, इसको रखते हैं और नेक्स्ट और तैयारी करते हैं। दोस्तों ये अपना स्कम फ्रॉग, और जैसे कि ये पत्ता जो आप इसमें लगा हुआ देख रहे हैं तो ये अलग से अटैच करना पड़ता है अपना, फ्रॉग सिर्फ इतना आता है। फ्रॉग अगर आपको चाहिए रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम चेक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर दिया होगा तो आप ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से, या तो फिर आप अपने पसंद के फ्रॉग से खेल सकते हैं। तो मेरा पसंदीदा ये है। तो दोस्तों ये अपना दूसरा पीस है, मैटर नहीं करता साइज, आप खेलने जा रहे हो तो इन्जॉय करो, फिश लगनी चाहिए। अगर आपको लगे कि ज़्यादा छोटा है तो आप उसे रिलीज़ कर सकते हो, लेकिन ये कोबरा स्नेक हेड है, ये ज़्यादा बड़ा होता नहीं तो इसे रिलीज़ करना नहीं है, अपने लिए भी चाहिए कुछ। और ये इतना लीडर बांधा हूँ, लीडर का रीज़न मैं बताऊँगा कभी, या तो फिर इसी में लास्ट में। अपना रॉड आज का हंटिंग ब्लैक, और ये सिमानो का कुराड़ो।
कहाँ देख ले। दोस्तों टॉप वाटर लोर तो ये टॉप वाटर है, ये टॉप वाटर से भी हमने करे। तो आपने देखिए कि स्नेकहेड पकड़ना आसान है अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो, और अच्छे सामग्री का इस्तेमाल करें और अपनी सेफ्टी का जरूर ख्याल करें दोस्तों।